अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? किसी के भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालें, 3 महीनों की, 6 महीनों की, साल की, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको ऐसी हज़ारों नहीं लाखों वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको गाइड किया जा रहा होता है, सिखाया जा रहा होता है कि किसी के भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री आप कैसे निकाल सकते हैं। उन ऐप्स के बारे में आपको बताया जा रहा होता है। यकीन करें, यकीन करें, ऑलमोस्ट ये तमाम की तमाम वीडियोज़ फेक हैं। मैं नहीं जानता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, आप लोगों को मिस गाइड क्यों करते हैं। अगर किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालना इतना ही आसान हो जाए तो ये जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं, नेटवर्क कंपनियां हैं, इन पर डाटा लीक करने के जुर्म में हर रोज केसेस ना बनना शुरू हो जाएं। तो आप इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें, किसी के भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, बिना FIR किए, बिना फ्रेंचाइज से रब्ता किए। आपको इन वीडियोस में जितने भी तरीके बताए जा रहे होते हैं, जितने भी ऐप्स के बारे में बताया जा रहा होता है, यकीन करें उन ऐप्स के जरिए आप दूसरों की कॉल हिस्ट्री नहीं बल्कि अपनी कॉल हिस्ट्री उनके हवाले कर रहे होते हैं। क्योंकि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही सबसे पहले आपसे आपके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री, SMS हिस्ट्री और इंटरनेट हिस्ट्री की एक्सेस मांगते हैं। तो खुदारा इन ऐप्स को कभी भी इंस्टॉल करने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर कर रखे हैं तो फौरन इनको डिलीट कर दें। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अपने नंबर की, अपने घर के किसी फर्द के नंबर की कॉल हिस्ट्री, इंटरनेट हिस्ट्री, SMS हिस्ट्री कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की या फिर कुछ महीनों की निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो अपनी या अपने घर के किसी फैमिली मेंबर की कॉल हिस्ट्री निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका आप सभी लोग जानते हैं, अपने फ़ोन ऐप में चले जाएं और यहाँ पर आपको पूरे हफ्ते की कॉल रिकॉर्ड का हिसाब मिल जाता है। और बाकी जो 2 तरीके हैं वो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, वो क्या क्या हैं वो नोट कर लें। अगर आप जैज़ के यूज़र हैं तो आपने ऐप इंस्टॉल करना है जैज़ वर्ल्ड। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने नंबर के साथ लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर नीचे वाला मेन्यू जो है इसमें से आपने चूज़ करना है माई जैज़। इसके बाद आपने क्लिक करना है व्यू हिस्ट्री। इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक कंफर्मेशन कोड जाता है कि आपकी हिस्ट्री चेक होने लगी है। तो उसके लिए आपने ओके करना है, आपको कोड आएगा, ये हमारे पास कोड आ गया है। इस कोड को देने के बाद आपके पास आपके सामने हिस्ट्री आ जाती है पूरे 7 दिन की। ये देखें यहाँ पे आप यस्टरडे और लास्ट 7 डेज, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने डाटा आ जाता है कि आपने कितनी कॉल्स की हैं, कितने SMS किए हैं, कितना डाटा यूज़ किया है, कितनी ऑफर्स यूज़ की हैं और कितना रिचार्ज किया है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं कॉल्स पे तो यहाँ पर पूरी की पूरी कॉल हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है, जितनी भी आपकी कॉल हिस्ट्री हो चुकी होती हैं। इसी तरह आप SMS चेक कर सकते हैं, कितने SMS आपने किए हैं, अपना डाटा चेक कर सकते हैं, किस किस डेट को आपने कितना कितना डाटा यूज़ किया है, ऑफर्स को चेक कर सकते हैं, रिचार्ज को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जैज़ के प्रीपेड सार्फिन अपनी 7 दिन की हिस्ट्री निकाल सकते हैं हर तरह की। अब इसी तरह अगर आप जोंग के यूज़र हैं तो आपने ऐप इंस्टॉल करना है माई जोंग। इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर के साथ आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको जैज़ से ज़्यादा हिस्ट्री मिल जाती है, यहाँ पे लिखा होता है ब्रीफ हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है आपने और आपको इसी तरह कोड जाएगा, वो कोड आपने देना है। ये मैंने कोड लगा दिया है। यहाँ पर आप अपने किसी भी साल की, किसी भी महीने की, किसी भी डेट की हिस्ट्री इजीली चेक कर सकते हैं। जोंग के यूजर्स के लिए इस हिसाब से माई जोंग ऐप बहुत ही कमाल का है। इसमें आप किसी भी महीने की, किसी भी डेट की, किसी भी साल की हिस्ट्री इजीली चेक कर सकते हैं, इंटरनेट की, कॉल की और SMS की और बैलेंस रिचार्ज की। बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप अपनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री को भी इजीली चेक कर सकते हैं माई जोंग ऐप के अंदर। तो जोंग को यूज़ करने वाले माई जोंग ऐप को इंस्टॉल करके अपने किसी भी तरह की कॉल हिस्ट्री, इंटरनेट हिस्ट्री, SMS हिस्ट्री को इजीली देख सकते हैं। अब इसी तरह अगर आप टेलीनॉर के यूज़र हैं तो आपने ऐप इंस्टॉल करना है माई टेलीनॉर। अपने नंबर के साथ लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी हिस्ट्री। यहाँ पर आप अपने लास्ट 7 डेज की और लास्ट 30 डेज की हिस्ट्री को इजीली निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अपने नंबर की, अपने घर में मौजूद किसी भी फर्द के नंबर को आप ऐड करके, लॉगिन करके लास्ट 7 डेज और 30 डेज की हिस्ट्री इजीली बासानी निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूफोन वाले भी यूफोन ऐप इंस्टॉल करके ये काम कर सकते हैं और PTCL यूज़ करने वालों के तो बिल में ही सब कुछ लग के आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको 7 दिन या 30 दिन से ज़्यादा, 6 महीने, साल या 10 साल की हिस्ट्री चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वो आपको कैसे मिलेगी, अपने नंबर की या अपने घर के किसी फर्द के नंबर की। उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना होगा और अपनी थोड़ी सी रूटीन बदलनी होगी। तो प्रीपेड सार्फिन सुन लें कि आपकी गुज़िश्ता सालों की जो हिस्ट्री अब तक बन चुकी है वो आप बिना किसी केस के चेक नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि आज से आपकी या आपके घर के किसी मेंबर की हिस्ट्री बनना शुरू हो जाए तो आपको अपना नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड पे लेके जाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको एक एक कॉल की, एक एक SMS की और एक एक MB की आपको रिपोर्ट
रिपोर्ट मिलेगी हर दिन की, हर घंटे की, हर लम्हे की, हर महीने की, हर साल की। वो कैसे, पोस्टपेड सार्फिन को हर महीने एक मेल आती है जिसमें पूरे महीने की कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मेरे जोंग पोस्टपेड की हिस्ट्री मौजूद है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें हर महीने का पूरा रिकॉर्ड आएगा, एक एक मिनट का, एक एक सेकेंड का। इस तरीके से आप अपने नंबर की, अपने घर में मौजूद किसी भी फैमिली मेंबर के नंबर को पोस्टपेड पे ले जाके उसके पूरे का पूरा डाटा रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास। तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन तरीके हैं कॉल रिकॉर्ड चेक करने के, कॉल हिस्ट्री चेक करने के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने घर के किसी फैमिली मेंबर की। लेकिन किसी और का डाटा चेक करना चाहें आपको फ्रेंचाइज पे जाना पड़ेगा और बिना कानूनी कार्रवाई के आप ये काम नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के किसी भी ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं करना, उस पर ट्रस्ट नहीं करना, इस तरह की वीडियोस पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, उनमें बताए गए तरीकों को फॉलो नहीं करना, वरना किसी का डाटा लेने के बजाय आप खुद अपना डाटा अपने हाथों से उनको दे बैठेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, फिर से कह रहा हूँ ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों के साथ अवेयर करें और उनको इस फ्रॉड के मुतालिक आगाह करें, इस तरह के झंझट से बचाएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम।